नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के बारे में। जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये कैसे वर्क करती है, जिसको नाम दिया गया है पिलर टाइप क्योंकि इसके अंदर हम एक पिलर का यूज करते हैं, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है पिलर टाइप। जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है इसके थ्रू हम लगभग 25 mm तक के होल बना सकते हैं, यानी कि 25 या 26 mm तक के होल हम इसे बड़े साइज में बना सकते हैं। तो इसके लिए जो फाउंडेशन होती है वो नीचे ही जमीन पे बनाई जाती है, किसी बेंच के ऊपर इसको नहीं रख सकते क्योंकि काफी हैवी होती है। तो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन के कौन कौन से पार्ट्स है और उसकी वर्किंग हम देखते हैं। तो सबसे पहले नीचे ये है बेस प्लेट, ये है बेस प्लेट, या आप इसको बेस बोल सकते हैं। जो ये बेस है ये लगभग कास्ट आयरन का बना होता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का ये लगभग बना होता है, क्योंकि जो ये मशीन होती है जब ये वर्किंग करती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन होती है और इसको लोड को सहन करना होता है, वाइब्रेशन को सहन करना होता है और शॉक्स को सहन करना होता है। तो इसलिए जो कास्ट आयरन है एक रिजिड मटेरियल होता है, तो उसके लिए इसका जो बेस है चूज किया जाता है कि कास्ट आयरन से इसको बनाया जाए, ताकि ये सारी वाइब्रेशन को जो शॉक्स होते हैं, हिलती है मशीन या उसके ऊपर लोड पड़ता है उसको सारे को सहन कर सके। इसके ऊपर यहाँ पे टी स्लॉट भी कटे होते हैं, ताकि इसके ऊपर हम डायरेक्टली कोई क्लैंपिंग डिवाइस हो उसको आसानी से यहाँ पे बोल्ट कर सकते हैं, नट और बोल्ट की हेल्प से उसको यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इसके ऊपर भी डायरेक्टली हम फिट कर सकते हैं। और इसके नीचे जो है फाउंडेशन बनी होती है और फाउंडेशन के ऊपर इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता है। उसके साइड में जो बेस होता है इसके पीछे बोर करके एक ये पिलर लगाया जाता है, ये पिलर है, इसलिए इस पिलर के बेस पे ही इसका नाम दिया गया है पिलर ड्रिलिंग मशीन। ये पिलर लगाया जाता है, इस पिलर के ऊपर हमारा जो वर्क बेंच होता है या वर्किंग टेबल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, तो जो वर्किंग टेबल है वो लगी होती है। इसको भी हम ऊपर और नीचे करके कहीं भी सेट कर सकते हैं, इस हैंडल के थ्रू हम इसको कहीं भी सेट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके, अगर हम इसका यूज करना है तो। और इसके ऊपर एक हेड लगा होता है, ये सारा हेड है जिसके अंदर जो कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होती है मोटर और इधर जो ये लगी होती है पुली, वी पुलीज होती है, वी पुली, ये भी है वी पुली। तो एक वी पुली किससे कनेक्ट होती है, हमारी वो मोटर के साथ, और एक जो वी पुली है हमारी कनेक्ट है स्पिंडल के साथ। जो ये वी पुली अरेंजमेंट है वो हमने यहाँ पे दिखाया है कि जैसे मान लीजिए मोटर के साथ जो अटैच होंगी इस तरह की, जो वी पुलीज हैं इस तरह से अटैच होंगी, और जो स्पिंडल से अटैच होंगी वो इस तरह से अटैच होंगी। तो जो कोई भी मैकेनिज्म हम इन दोनों के बीच में, कोई भी जो वेलोसिटी रेशियो है, कोई भी इनके बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। देखिए अगर छोटी पुली इस बड़ी से कनेक्ट होगी तो स्पिंडल की स्पीड कम होगी, अगर मान लीजिए इससे स्पिंडल कनेक्ट है और इससे मोटर कनेक्ट है, इससे मोटर कनेक्ट है मान लीजिए, इससे स्पिंडल कनेक्ट है। तो जब जो ये वी बेल्ट है, ये वी बेल्ट है, वी बेल्ट के थ्रू इन दोनों पुलीज को जोड़ा जाता है, इन दोनों पुलीज के बीच का कनेक्शन बनाया जाता है। तो जैसे ही ये घूमती है मोटर, उस पे लगी ये पुली घूमती है, तो बेल्ट के थ्रू ये पुली घूमती है। तो कोई भी स्पीड रेशो हम ले सकते हैं, अगर ये छोटी पुली है ये बड़ी पुली है मान लीजिए स्पिंडल की, तो इसकी रोटेशन ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, यानी कि स्पिंडल की स्पीड कम होगी। और अगर हम इसका यूज करते हैं तो इस तरह से वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और जब ये सबसे लास्ट वाली पे आएगी इस पे अगर हम बेल्ट लगाएं तो इसकी स्पीड कम होगी और उसके हिसाब से जो इसकी स्पीड है वो हमें ज्यादा मिलेगी, तो स्पीड रेशो बढ़ जाएगी। जितना बड़े इधर बड़ी होगी इधर छोटी होगी तो उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो कोई भी आप इसके अंदर लिंक बना सकते हैं, छोटी पुली बड़ी पुली का लिंक बना के आप कोई भी स्पीड रेशो यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट है वी बेल्ट पुली से, जो पुलीज हैं वी बेल्ट से हमने इसको जोड़ रखा है। तो इसके अंदर क्या है, ये हैंडल है, ये हैंडल है, इसको हम फीड हैंडल भी बोल देते हैं। इसको फीड हैंडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है स्पिंडल को अप और डाउन करने के काम आता है, फीड देने के काम आता है। जब इसको हम घुमाते हैं तो ये हम स्पिंडल को अप और डाउन मोशन दे सकते हैं। तो स्पिंडल के अंदर कौन सी फिट होती है, ये हमारी ड्रिल बिट फिट होती है, ड्रिल बिट। स्पिंडल के आगे इसको चक के थ्रू अच्छी तरह से जो जाज होते हैं चक के उनके अंदर फिट कर दिया जाता है। और जो स्पिंडल की मूवमेंट है वो हमने यहाँ पे दिखाई है, इस तरह की होती है। तो इसके अंदर रैक और पिनियन मैकेनिज्म लगा होता है, देखिए ये पिनियन है और ये रैक है,
जब हम हैंडल को घुमाते हैं तो ये पिनियन रोटेट करता है, तो ये रोटेट करता है तो इसको ये नीचे करता है। अगर हम इस तरह से घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज तो इसको नीचे घुमाएगा, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा। तो रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म यहाँ पे होता है, जो हैंडल की वर्किंग हम करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो स्पिंडल को मूवमेंट दे सकते हैं, अप और डाउन मूवमेंट दे सकते हैं। तो जब हम इसको फीड देंगे तो ये जो यहाँ पे ये वर्क टेबल है इसके ऊपर जो क्लैंपिंग डिवाइस होते हैं उनके अंदर जो वर्क पीस हम फिट करते हैं उसको अच्छी तरह से क्लैंप कर लेते हैं और फिर इस हैंडल की सहायता से इसको फीड देते हैं और ड्रिल करते हैं, होल करते हैं। तो जो सुराख है जितने एमएम साइज का चाहिए उस हिसाब से हम ड्रिल बिट फिट की जाती है। तो जो पिलर ड्रिलिंग मशीन है बड़े साइज के होल इससे बना सकते हैं, जैसे कि हमने बात की 25 mm या 26 mm लगभग जो होल हम बना सकते हैं, जो डायमीटर के होल होते हैं ड्रिल बिट की, जो 25 mm 26 mm लगभग इसके अंदर फिट की जाती है। तो इस तरह से पिलर ड्रिलिंग मशीन काम करती है। ये तो उसके पार्ट्स और उसकी वर्किंग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।